उर्दू खुशनवीसी में शुक्रिया लफ्ज़ को इन तीन तरीक़ों पे लिख सकते हैं। सबसे पहले वाले को सीखते हैं। तकरीबन लाइन के दरमियान में हमने सीन अलिफ़ बनाना है। इसके लिए देखें, एक शोशा, छोटी मद और उसके बाद बा अलिफ़ का पैबंद। ये जगह बा अलिफ़ के पैबंद की तरह होती है बनावट में। इसके बाद हमने पेन को उठा लेना है। ये अलिफ़ जहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो रहा है, ये सीधा इसके बिल्कुल एंड पे यहाँ पर एक रा, इसके बाद दूसरी रा, उसके बाद काफ़ का मरकज़ हमने बनाना है, ऊपर से बनाना है और आखिर में लाकर यहाँ पे मिलाना है। अक्सर मिलाए बगैर छोड़ देते हैं यहाँ पे शीन के नुक्ते। इसके बाद या को हमने लाइन से थोड़ा सा ऊपर शुरू करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस, अक्सर इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर वाले को सीखते हैं। दूसरे नंबर वाले में सिर्फ ये कि यहाँ पर उल्टा टिक का निशान है, बाकी उसी तरह है। शोशा, छोटी मद, यहाँ से उल्टा टिक का निशान, ये जगह बराबर होनी चाहिए। इसके बाद फिर से पेन उठाकर यहाँ से एक रा और ये दूसरी रा, काफ का मरकज़ उसी तरह ले आकर मिला देना है, लेकिन ये काफ का मरकज़ थोड़ा सा ऊपर से मिलाएंगे। इसके बाद उसी तरीके पे शीन के नुक्ते और या भी उसी तरीके पर। हम सीख चुके हैं कि जैसे लाइन को टच करें फ़ौरन वापस, यहाँ पर या के दो नुक्ते। तीसरे नंबर वाले को जो है हम शीन यहाँ पे थोड़ा सा कशीदा करके बनाएंगे। कशीदे का ये तरीक़ेकार है, ज़रा से इसको नीचे लेकर आएं और उसके बाद थोड़ा सा आगे ले जाना है, ऊपर थोड़ा सा उठाना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद यही सीधा अलिफ जो हमारे पास ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर एक रा और ये दूसरी रा, काफ का मरकज़ ले आकर यहाँ पर हमने मिलाना है, मिलाए बगैर नहीं छोड़ना। शीन के नुक्ते और या उसी तरीके पे कि जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस। इन तीन तरीक़ों पे उर्दू खुशनवीसी में शुक्रिया लफ्ज़ को लिख सकते हैं।